हाँ मित्रों, आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मेरी छत पर। आज 22 नवंबर को तो तुरई तैयार है। ये तुरई हम पहले सोच रहे थे पता नहीं जाड़े में कितनी कैसी होगी, लेकिन मैंने देखा कि थोड़ा सा मेरा पिछला मेरा थोड़ा सा अनुभव था कि नहीं, जाड़े में भी तुरई बड़ी अच्छी हो सकती है। और इसको हमने जुलाई अगस्त में लगाया था तो बरसात में तो अच्छा मिला हमें उत्पादन। उसके बाद मैं सोच रहा था शायद अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं देखा कि थोड़ा सा पत्ते सूखे, सूखने के बाद थोड़ा सा मैंने और इंतज़ार किया, सूखे पत्ते हटा दिए और उसमें जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और छिलके, घर के जो भी हमारे पास वेस्ट था उसको डालते गए, और छिलके जो जीवामृत बना के घर में उसको 10-15 दिन में एक बार डालते गए। तो धीरे से नवंबर में भी मैंने देखा बड़ी अच्छी सी, इधर जाड़ा शुरू हो गया है लेकिन जो है कि ना बहुत बढ़िया से तुरई आ रही है। तो ये मैं थोड़ा सा इतना नहीं मुझे थी आशा कि इतनी बढ़िया आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को इसे दिखाना चाहता हूँ कि कितनी बढ़िया तुरई इस समय लगी हुई है बहुत अच्छे से। और मैं हर हमको तीसरे दिन इसमें से तुरई मिल जा रही है। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कितना नेचर हमें कितना दे सकता है। बहुत बढ़िया बढ़िया तुरई जो है लगी हुई है, देखिए ये भी लगी है, ये भी है, सब बहुत बढ़िया तुरई आ रही है। तो इसको हम चाहते थे कि आप लोग भी थोड़ा अपनी छत पर जहाँ जिसके पास जैसी संभावना है उसको नाम इसको आप भी कोशिश करें और उसको उगाएं, बस अपने कचरे का प्रयोग करके। और इसको हमने सिर्फ वेस्ट, हमारे बाथ टब एक बेकार का था उसी में हमने तो नीचे पॉलीथीन की सीट डाल दी और इसी में हमारे पास ये 5 पौधे लगे हुए हैं। और ये जो है इसमें जो देख रहे होंगे छिलके उलके पड़े हुए हैं, ये सब डालता रहता हूँ बीच बीच में। और जब जीवामृत डाल देते हैं कुछ, देखिए इसमें तुरई के पौधे भी, इसके जो आपके मूली के पौधे भी आपको दिख रहे होंगे, हमका थोड़ा बहुत मूली भी मिल जाएगी इसमें, बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इसको हम चाहते हैं कि इससे थोड़ा सा एक संदेश जाए, यही हमारा उद्देश्य था। धन्यवाद।